दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता जो हमें मिली थी आज ही के दिन मिली थी और वो अंग्रेजों से मिली थी। जी हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों से ये देश को आज़ाद किया गया था। क्या आज़ादी अभी पूर्ण तरीके से भारत के निवासियों को मिल पाई है, जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी आखिर मिली है तो कितनी मिली है और भारत के लोगों को कितनी मिली है। देश को तो आज़ादी मिल चुकी है पर भारत के लोगों को कितनी मिली है। डॉक्टर चंद्रकांता जी से मैं बात करना चाहूँगा जो DU की प्रोफेसर हैं। मैम, लोग ये कह रहे हैं कि आज़ादी मिल चुकी है। मैं मानता हूँ कि देश को तो आज़ादी अंग्रेजों से मिल गई है, पर क्या देशवासियों को आज़ादी मिली है? नहीं, मैं एक शब्द में कहूँगी कि हमें आज़ादी नहीं मिली है। और अभी हमें अपनी आज़ादी के लिए जैसे 200 साल तक मतलब अंग्रेजों से मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष रहा, 1857 की क्रांति एक आई, फिर उसके बाद जाके 1947 में जाकर आज़ादी मिली और आज हम 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली उसके दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी की बात करें, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें वास्तव में आज़ादी नहीं मिली। भारत के लोगों को आज़ादी नहीं मिली है क्योंकि आज भी वो अपनी उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं मानसिकता के 7500 साल पहले गुलाम थे, 75 साल पहले गुलाम थे और वो आज भी गुलाम हैं। और यदि यही चीज़ रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले 150 साल तक भी वही गुलाम रहेंगे यदि स्थिति में बदलाव नहीं आया तो। बदलाव करने के लिए कौन होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी रहेगी या ऐसा कौन सा संगठन रहेगा या कोई देश बाहर का आकर के इसको गुलामी से फिर से निजात पर पहुँचाएगा? ना कोई पार्टी होगी, ना कोई संगठन होगा, ना कोई मतलब बाहर से आएगा। हमें आत्ममंथन करना होगा। और जब मैं एज अ डॉक्टर चंद्रकांता माथुर ईमानदारी से ये मान लूँगी कि मैं कल तक गुलाम थी और आज मुझे इस गुलामी से बाहर निकलना है, अपना आत्ममंथन मैं करूँगी और उसके बाद उन चीज़ों की तरफ, दिशा की तरफ काम करूँगी जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक दिशा दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे फॉलोवर बनिए। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉलोवर तैयार कर रहे हैं, हम वो भेड़ बकरी तैयार कर रहे हैं और जाकर वो खाई में गिर जाएंगी जी। हमें ना तो खाई चाहिए, हमें वो छलांग लगाने वाले युवा चाहिए जो उस खाई के पार कर जाएं और अपनी उन कमियों को ऊपर मतलब विजय हासिल कर लें। और हमारी कमियाँ क्या हैं, आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान के दीपक की बात की है, अपने आत्ममंथन की बात की, अपने अंदर अपने ज्ञान का रोशनी को प्रवलित करने की बात की है। वही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही है। वो इतने मतलब पूरे दुनिया के फादर ऑफ नॉलेज है, दुनिया ने माना है, उन्होंने भी एक ही बात की। उन्होंने कोई संगठन की बात नहीं की, उन्होंने किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं की, उन्होंने सभी को साथ में लेकर बात की। उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने अहिंसा की बात की। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये भूल जा रहे हैं और हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे। आज भी बहुजन समाज के लोग पढ़ाई पर बात नहीं कर रहे, ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना चाहते हैं, वो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं और उसके अंदर ही वो सोचते हैं कि यही हमारी नियति है। जाति व्यवस्था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की बात की, लेकिन मैक्सिमम जिसे कहा जाए कि बहुजन समाज ही सबसे ज़्यादा कास्ट में डिवाइडेड है। अदर कास्ट में तो इतनी कास्ट नहीं है, लेकिन जितनी कास्ट हमारे बहुजन समाज में या SC ST OBC इन सब के अंदर इतनी सारी कास्ट है, तो हम कास्ट में बंधे हुए, हम इन चीज़ से बाहर क्यों नहीं निकलते? ये कास्टिज्म जो है ये भी तो किसी ने बनाया होगा ना, जो 6443 या कुछ 6000 से ऊपर SC ST इसमें जो जातियाँ बना दी गई हैं, ये शायद इसीलिए बना दी गई है कि ये आज़ाद ना हो जाए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कास्ट का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा SC ST या कहा OBC, ठीक है। लेकिन हम लोग तो वाल्मीकि, जाटव, धोबी, पासी, फलाना, डिकाना, इस तरीके की चीज़ों में भसे हुए, तो ये चीज़ तो हम कर रहे हैं ना, पहली बात। और इन जो जातियों से परे हटकर, ये जातियाँ कुछ भी नहीं है, ये हमारी अपनी मतलब पद्धति है, हम उनको आचरण को अपना रहे हैं,
ठीक है, ना जातियाँ पहले थी, हमने एक परंपरा को, एक पद्धति को अपना लिया, उसके अंतर्गत आगे चले जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें जाति नामक शब्द से परे हटकर हमें एक मानवीय परंपरा के रूप में जाना चाहिए। हम उन्हें उन महापुरुषों को मानना चाहिए, चाहे संत गाड़गे हुए या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, संत रविदास हुए, बहुत सारे हमारे असंख हमारे कबीर रहे, बहुत सारे हमारे गुरु नानक देव रहे, जिन्होंने मानवता पर काम किया। मानव धर्म से बड़ा कोई भी धर्म और धम नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि अगर मानव धम्म पे अगर हम चलते हैं, मानव एक समान मान के चलते हैं, तो देश आजाद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो आने वाले समय, अब अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, उसके बाद ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए, लेकिन वो नव उपनिवेशवाद की तरफ, आर्थिक रूप से हम डिपेंडेंट हैं। देश भले ही आज़ाद है, लेकिन हम आज़ाद नहीं, हमसे मतलब हमारी व्यवस्था आज़ाद नहीं है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हैं। और जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से डिपेंडेंट रहेगा, वो गुलाम रहेगा, और वो गुलाम रहेगा तो उसे जो करवाना चाहोगे वो करेगा। बिल्कुल, जो करवाना चाहोगे वो करेगा। इसी कड़ी में मैं OBC समाज से, यादव जी हैं एक हमारे मित्र हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। मेरे साथ नरेश यादव जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि देश आज़ाद अंग्रेजों से तो हो गया, पर इस रूढ़िवादिता जो सभ्यता है, उससे कब आज़ाद हुआ? देखिए, आज हम आज़ादी को 75वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और आज हमारे देश को 75 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन सही मायने में अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी एक समाज बहुत ही वंचित तरीके से, शोषित तरीके से, और दबाया हुआ, सताया हुआ समाज है। उसमें आज एक वर्ग के द्वारा आज हमारे देश के 15% संसाधनों पर, 15% लोग 85% संसाधनों पर कब्जा करे बैठे हैं, और 85% संसाधन 85% लोग 15% संसाधनों में अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत के साथ साथ एक राजनीतिक क्रांति की भी ज़रूरत है, और हम ये मांग करते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को एक मंच पे आना होगा। एक मंच पे हम आएंगे, और 85% लोग जब एक मंच पे हम आएंगे, तो हम एक राजनीतिक आज़ादी भी पाएंगे और सामाजिक क्रांति कर सकेंगे, अपने लोगों का भला कर सकेंगे, तभी सही मायने में हम देश को एक स्वतंत्र समझेंगे। आज आप एक पूरे स्वस्थ शरीर को देख लीजिए, एक शरीर का एक कोई भी अंग अगर ख़राब हो जाए, तो उस शरीर को हम स्वस्थ शरीर नहीं कहते हैं। सही मायने में हमें आज़ादी के लिए अभी बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है, एक राजनीतिक क्रांति की बहुत सख्त ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। OBC समाज से मेरे साथ RS यादव जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, देश तो आज़ाद हो गया, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके, और आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं 15 अगस्त को। क्या देशवासी आज़ाद हुए? मेरा क्वेश्चन ये चल रहा है, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए? सबसे पहले देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम आज़ादी तो मना रहे हैं, स्वतंत्रता तो मना रहे हैं, लेकिन हमें आज़ादी आज भी नहीं मिली है, ये बिल्कुल सच है। हम लोगों को अभी भी, पहले हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, और वहाँ पर हम अपने देश को बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान को बनाया गया। संविधान का अस्तित्व आने के बाद हम सबको बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब के द्वारा मिली, लेकिन आज भी संविधान को मानने वाले लोग इस देश में नहीं हैं। संविधान को दरकिनार करके यहाँ पे तानाशाही रवैये के तहत काम कराया जाता है, यहाँ पे ठेकेदारी है, निजीकरण है, तमाम चीज़ें जो है बाबा साहब के खिलाफ़ है, संविधान के खिलाफ है। लोग झूठी आज़ादी मना रहे हैं, वाकई देखा जाए तो लगातार उत्पीड़न दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े समाजों के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। ये उत्पीड़न जो है वो दलित समाज, आदिवासी समाज हो गया, या दबे कुचले लोग हो गए, पर OBC समाज पे तो नहीं हो रहा ना, तो OBC समाज को तो आज़ादी मिल गई होगी ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं OBC के समाज को आज़ादी मिली है? अभी लगातार अगर हम यादव समाज की बात करें, OBC की बात कर रहे हैं, तो OBC समाज में सबसे मजबूत समाज होता है OBC मानते हो, तो OBC समाज में अभी दिल्ली के नोएडा में हाल में कुछ साल पहले लगातार जो है यहाँ पर हत्याएं हुई थी, पुष्पेंद्र यादव की हत्याएं हुई थी अभी सुल्तानपुर जनपद में, और सवर्णों द्वारा लगातार यादव समाज की बेटी को रेप और हत्या की गई,
लगातार जो है उत्पीड़न हो रहा है। इलाहाबाद के अंदर बेटी के साथ अभी हम लॉकडाउन के अंदर गए थे, उसको लगातार रेप किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार हमारे युवाओं की लगातार हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, लगातार उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। कैसी आज़ादी है? मुझे तो नहीं लगता कि आज़ादी मिली है। ये है, लोग जो है स्वार्थी लोग हैं, अपनी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार है तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, अगर समाज पर अत्याचार है तो अत्याचार को नहीं मान रहे। ये लोग स्वार्थी लोग हो चुके हैं। इन सब से हट करके हमें जागरूक लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो एससी समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के लोग हों, जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, सामाजिक परिवर्तन जिन पर आया है, उन्हें राजनीति में लाने की जरूरत है। उनको एक समूह बना करके हमें मजबूत पे, देश में 90% की आबादी हमारी, हमें एकजुट होकर इस देश पे राज करने की तरफ चलना है। हम रोना धोना बंद करके अपनी ताकत को पहचाने कि इस जनतंत्र के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, बाबा साहब के संविधान में जो हमें कानून दिया है, उस कानून को पूरी तरीके से हमें संसद तक पहुँचने का काम करना चाहिए। हमें एकजुटता का परिचय देना चाहिए। हमें राम मंदिर और जो हिंदुत्व के चक्कर को छोड़ करके हमें देश के संविधान की तरफ देखना चाहिए, देश के युवाओं की तरफ देखना चाहिए। देश की बेटी बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा, रेप हो रहा, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए कि हमारी हत्या करने वाले लोग कौन हैं, हमारे पर झूठे मुकदमे लगाने वाले लोग कौन हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ ये रेप आए दिन हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं, इसका डाटा भी हमारे लोगों को निकालना चाहिए। इससे साफ हो जाएगा कि अत्याचार करने वालों की लिस्ट कौन सी है और अत्याचार हो रहे लोगों की लिस्ट कौन सी है। तो हम लोगों को इस बात को बहुत समझना चाहिए। लेकिन हमारा समाज पढ़ा लिखा तो हो गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा की तरफ ध्यान दो, तो शिक्षित तो हो गया, शिक्षा होना उसका स्वार्थ था, लेकिन जब वो शिक्षित होने के बावजूद भी आज वो अपने समाज की तरफ नहीं देख रहा, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो। एक तो हमारी संस्थाएं इतनी ज़्यादा बन गई हैं, इतनी ज़्यादा संस्थाएं बन गई हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों के शिकार हैं। इससे हट करके हमें एकजुट अपने बहुसंख्यक समाज की, बहुजन समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों को अंतर जाति विवाह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जब तक एक साथ हम रोटी और बेटी का रिश्ता भी नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर प्यार नहीं आएगा। इसको ब्राह्मणवाद के द्वारा ये बहुत बांटा गया है। आज भी हम लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा हो कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। अरे ऐसे मजबूती से लड़ो, तुम्हारे हक अधिकार जो बाबा साहब के संविधान ने दिया है, संविधान के पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम पढ़ लिख रहे हो, आज तुम बोल रहे हो, आज तुम लिख रहे हो, आज तुम कहीं बैठ रहे हो, आज अपना पक्ष रख रहे हो। तो संविधान ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ मिला है। हम लोगों को इस पे इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। अंधविश्वास, रूढ़वादिता और पाखंड को हमें लात मार देना चाहिए, इसे दूर हटा देना चाहिए। और हमें अपने योग्यता और शिक्षा और वैज्ञानिक गतिविधियों को ध्यान में रख के उस पर हमें सर्च करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तमाम लोगों ने इसकी लड़ाइयाँ लड़ी है, पिछड़े समाज में ललई यादव हैं, तमाम लोगों ने जो है इसकी लड़ाइयाँ पिछड़े समाज के लोगों ने ही लड़ी है, पेरियार फूले हैं, तमाम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। हमें उनको तो हम मंचों पर तो बोलते हैं, लेकिन हकीकत में हम जो है ना उनको अपने अंदर खुद नहीं उतार रहे हैं। बिल्कुल खुद नहीं उतार रहे हैं। यादव जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अभी आप एक राजनीतिक बात की, पार्टी की बात कर रहे थे कि राजनीति में हमारा अगर भूमिका अच्छी होगी तभी हम संविधान को पूर्ण तरीके से लागू कर पाएंगे और फिर हमें आज़ादी मिल पाएगी। कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो पूर्णता संविधान को लागू कर सके और ओबीसी समाज को भी, एससी एसटी समाज को भी वो आज़ादी दिला सके? कोई भी नहीं पार्टी है, कोई भी पार्टी नहीं है देश में, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे लोगों को हक अधिकार दे रही है। हमारे लोग भी अभी जागरूक नहीं है। हमारे पार्टी का नेता मान लो वो दलित समाज से आता है, वो दलित समाज की पार्टी का नेतृत्व करता है, वहाँ का विधायक और सांसद वही लोग आ जाते हैं जो हमारे पर अत्याचार करते हैं, तो हमारे लोग मजबूर होकर उनको विधायक और सांसद बना देते हैं। वही गुंडा होता, वही माफिया होता है, वही क्षेत्र में हमारे मुकदमे नहीं लिखने देता। 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस रही है और तकरीबन 15-20 साल बीजेपी भी रही है और भी पार्टियां तमाम रही हैं। 70-75 साल में तकरीबन कई सारी पार्टियां आई और गई, आई और गई, पर संविधान पूर्ण तरीके से लागू नहीं कर पा रहे। अगर पार्टी कोई आए तो कौन सी आए जिसका शासन थोड़ा बहुत सही हो? इस देश में एक जन आंदोलन की जरूरत है जी। इस देश के अंदर एक जन आंदोलन की जरूरत है। सामाजिक क्रांति के बाद एक राजनीतिक क्रांति होनी चाहिए देश के अंदर। राजनीतिक क्रांति होनी चाहिए देश के सभी पार्टियों को ताक पर रखते हुए, सामाजिक जागरूक लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा,
भाइयों बहनों को दारा एक क्रांति होनी चाहिए, वो आर्थिक क्रांति अपने आप उसमें शामिल हो जाएगी। हमें राजनीतिक क्रांति की तरफ बढ़ना चाहिए, राजनीतिक क्रांति से एक परिवर्तन आएगा। आपके हर एक क्षेत्र गांव के अंदर, हर क्षेत्र गांव के अंदर, प्रदेशों के अंदर, पूरे भारत के अंदर आपका प्रतिनिधित्व होगा, आपकी ताकत आएगी, संवैधानिक ताकत आएगी। यानी आप ये चाहते हैं कि एक पार्टी और बन जाए? बिल्कुल, इतनी सारी हजारों की तादाद में पूरे देश में पार्टियां हैं, एक पार्टी और बन जाए तो फिर नेतृत्व कैसे करें? क्रांति, वो राजनीतिक क्रांति से बनी पार्टी होगी, वो एक पार्टी होगी। बहुत सारी पार्टियां बनी हैं लेकिन वो नादारत हैं, वो हमारे बहुसंख्यक लोगों की आवाज उठाने में डरते हैं, वो हमारे सदन में डरते हैं, विधानसभा में डरते हैं, राज्यसभा में डरते हैं, लोकसभा में डरते हैं। उनको ईडी सीबीआई से डरा दिया गया है, वो पूरी तरीके से पंगु हो गए हैं, वो बिल्कुल भी आपकी आवाज उठाने में असमर्थ है। उनको ईडी सीबीआई का डर है। जब सामाजिक क्रांति आएगी तो देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो इस सामाजिक क्रांति में आगे आके लड़ाई लड़ेंगे, और हमें पार्लियामेंट को भरने का काम करना पड़ेगा, विधानसभा को भरने का काम करना पड़ेगा, इससे हमारी हिस्सेदारी आएगी। अन्यथा हम आंदोलन करते रहे, हम लड़ाइयाँ लड़ते रहे, हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते रहे और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सरकार जो वर्तमान केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरीके से हम लोगों के मजबूत लोगों को एक तरीके से उनको कैप्चर करने का काम करती है। अगर क्षेत्र में कोई युवा, कोई भाई बहन अगर क्रांति की बात करता है, उसके पीछे जनसैलाब दिखाई देता है, तो यह लोग जिस तरीके से, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हमारे समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जहाँ पे अछूत मानते हैं, जहाँ पे नीच मानते हैं, जहाँ पिछड़ा मानते हैं, जब किसी का बेटा बेटी पढ़ के IAS IPS बन जाता है तो उसकी बेटा और बेटी को तुरंत अपने घर में ला करके उसको जमाई बना लेते हैं, उसको बहू बना लेते हैं, तब इनको छुआ छूत नहीं दिखाई देता, तब इन पर ऐसा इनका समाज भी नहीं बोलता कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन अगर एक गरीब घर का, एक दलित समाज का, एक OBC समाज का कोई अगर इन उच्च जाति के लोगों के घर में अगर शादी करता है या प्यार करता है तो उसकी हत्या करते हैं, उसकी मूव लिंचिंग करते हैं, तब इनको, इनका जाति दम इनको कष्ट देने लगता है। इनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। इनकी मानसिकता को जिस दिन हमारा बहुसंख्यक समाज, जिस दिन बहुजन समाज समझ जाएगा, उस दिन एक क्रांति बिल्कुल संभव है। हम लोगों के सारे मंचों को, देश के सभी मंचों को एकजुट करने की जरूरत है, और एकजुट करके हमें इसको दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने की जरूरत है, हजरत महल पार्क भरने की जरूरत है, पटना का गांधी मैदान भरने की जरूरत है, हमें एक साथ चलने की जरूरत है। साथियों, मैं कहता हूँ एकजुट हो जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। जुडिशरी में आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, हाई कोर्ट में आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, थाने और जिलों के अंदर DMSP आपके नहीं है, मंत्रालय में आपके लोग नहीं है, जो भी है वो पूरी तरीके से लाचार है। ED CBI के डर से आपकी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आप उनके साथ फोटो जरूर खिंचा सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसे समाज को जागरूक करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल, एकजुट होने की जरूरत है। जब समाज जागरूक हो जाएगा और एकजुट हो जाएगा तो यादव जी ने जैसे कहा है कि एक राजनीतिक क्रांति लाने की जरूरत है, और वो राजनीतिक क्रांति जिस दिन आ गई उस दिन भारत का बहुजन जो है वो एक हो जाएगा और आज़ाद भी हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, अशोक।